पिछले दिनों तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला सामने आने के बाद अब देश भर में मिलावट की खबरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों ने एक डेयरी संचालक पर घी में चर्बी मिलाकर बेचने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में घी कीमत से सस्ते दामों में बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत करते हुए यहां के लोगों ने शहर के महोबा रोड पर स्थित रामजी दूध डेयरी संचालक पर पूजा वाले घी में चर्बी की मिलावट करने का आरोप लगाया। शिकायत पर खाद्य और औषधि विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची और प्रोडक्ट के सैंपल लिए, जिसमें प्राथमिक तौर पर सैंपल फेल हो गए, जिसकी जांच अब भोपाल की लैब में की जाएगी। फूड टेस्टिंग के लिए जो मोबाइल वैन आती है, और वो मोबाइल वैन हमारे जिले में इत्तेफाक से उपलब्ध थी, उस वैन का प्रयोग करते हुए हमारे ग्राहक के द्वारा 10 रुपए की रसीद कटा करके उसमें सैंपल की जांच कराई गई, और उस जांच में ये सैंपल फेल पाया गया। क्योंकि सैंपल फेल पाया गया तो उसके बाद जो अगली जांच होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, और उसके लिए फूड इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल लिया जाना अनिवार्य होता है। तो ग्राहक पंचायत ने फूड कार्यालय में जाकर के जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं वेद प्रकाश चौबे जी से आग्रह किया, और उस आग्रह पर चौबे जी ने आकर के यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया है, जिसकी जांच स्टेट लेवल की जो लैब है उसमें की जाएगी। प्रारंभिक जांच में अगर मान लेते हैं कोई खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है तो फिर उसका लीगल नमूना लिया जाता है, तो ये तो जाँच में सामने आएगा ना, इसलिए उसका लीगल नमूना लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।